अगली खबर है मुंगेर से। मुंगेर में 1 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हो गया है। बक्सर स्टेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, मुंगेर एसपी जग्गुनाथ रेड्डी के निर्देश पर एएसपी अभियान कुणाल कुमार के द्वारा शनिवार को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एएसपी अभियान कुणाल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। गिरफ्तार नक्सली हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के गुबड्डा गांव निवासी गोपाल दास है। इस दौरान एएसपी अभियान ने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली वर्ष 2018 में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मजदूरों का फिरौती के लिए अपहरण इसने किया था। कंपनी के 4 पोकलेन, 2 हाइवा और 1 मोटरसाइकिल को इसने जला भी दिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध हवेली खड़गपुर थाना सहित अन्य कई थानों में भी 1 दर्जन से अधिक कांडों में इसके नाम दर्ज हैं। एएसपी अभियान कुणाल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली गोपाल दास सहित अन्य नक्सली के द्वारा अकबर नगर शाहकुंड मार्ग में बीएमपी कैंप पर नक्सली हमला किया गया था। मुंगेर में 1 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली अब गिरफ्तार हो गया है। वहीं खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 साल पहले नक्सलियों ने यात्री शेड में चल रहे अस्थायी बीएमपी कैंप पर हमला किया था। वहीं गोपालदास सहित अन्य नक्सलियों के द्वारा शाहकुंड की ओर से अकबर नगर की दिशा में आ रहे 2 सवारी गाड़ी आ रही थी, जिसके शीशे पर एजी जरा धीरे चलो लिखी पड़ी थी। उस सवारी गाड़ी पर आए हथियारबंद नक्सलियों ने उतरते ही अंधाधुंध गोलियां दागते हुए धावा बोला था। हमले में तब संतरी ड्यूटी में मौजूद 3 सिपाही गोली लगते ही गिर पड़े थे। जवान अपने आप को संभालते तब तक नक्सलियों ने उन्हें कवर कर लिया था। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा 4 सेल्फ लोडिंग राइफल, 2 स्टैंड गन, 4 हैंड ग्रेनेड, करीब 600 चक्र कारतूस आदि लूट लिए गए थे। 1-2 जवानों के हथियार इसलिए बच गए थे क्योंकि उन्होंने बिस्तर के अंदर छिपा रखे थे। घटना के चश्मदीद बीएमपी हवलदार गोवर्धन झा के बयान पर 50 अज्ञात नक्सलियों पर केस दर्ज किया गया था।